The question is, we have to integrate the function which is x into square root of x plus 2 between the limit 0 to 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो first of all मैं एक बार question के data को ही note कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि जो question आपके पास given है, the question is the limit is between 0 to 2, that is the limit of the function, that is x into square root of x plus 2 into dx. तो बेसिकली ये वो फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट 0 टू 2. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि ये जो रूट के अंदर जो आपको फंक्शन नजर आ रहा है विच इज और x plus 2, मैं इसको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करने जा रहा हूँ. और जो मैंने नया वेरिएबल लेट किया है, लेट दैट इज योर टी स्क्वायर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपने इसको टी स्क्वायर ही क्यों लेट किया. तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि यहाँ पे आप टी भी लेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, और रूट के एंथ रूट के अंदर अगर आपको कोई फंक्शन एज्यूम करना है, तो बेटर ये रहता है कि आप उसे टी की पावर एन के फॉर्मेट में एज्यूम करें. जैसे स्क्वायर रूट है तो आप उसे टी स्क्वायर लेट करें, क्यूब रूट है तो आप इसे टी क्यूब लेट करें, या फोर्थ रूट है तो फिर आप उसे टी की पावर फोर लेट करें. इससे फायदा बस ये होगा कि आपका जो फाइनल फंक्शन बनेगा ना, वो काफी कंफर्टेबल होगा. अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आप टी भी लेट करेंगे तो भी आपको सही आंसर मिलेगा अगर आपकी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक है तो. पर हाँ, ये फंक्शन लेट करने से आपका जो ये जब पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट होगा तो वो काफी कंफर्टेबल होगा इंटीग्रेट करने के लिए. तो चलिए अब आगे बात करते हैं. तो क्योंकि मैंने फंक्शन में एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है, तो मुझे अभी यहाँ पे दो टास्क और कंप्लीट करने होंगे. सबसे पहले तो ये जो dx आपको नजर आ रहा है ना, इसको आपको dt में कन्वर्ट करना होगा. इसका रीजन ये है क्योंकि आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें चेंज इन वेरिएबल dx है ना, लेकिन क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज कर दिया है, तो फिर अब आपको dx को dt में कन्वर्ट करना होगा. दूसरा, ये जो लिमिट आपको दे रखी है विच इज बिटवीन 0 टू 2, ये जो लिमिट आपको दे रखी है, ये जो लिमिट है ये x की लिमिट है, क्योंकि x आपका 0 से 2 तक चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को ही चेंज कर दिया है, तो फिर आपको नई लिमिट पता करनी होगी, और जो लिमिट होगी टी की. तो चलिए अब ये काम करना शुरू करते हैं. सबसे पहला टास्क है कि मुझे dx को dt में कन्वर्ट करना है. इनकेस अगर मैं dx को dt में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे फंक्शन को पहले बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा. और इनकेस अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो x का डेरेटिव dx, 2 का डेरेटिव 0, और इसे आप लिख सकते हैं 2t into dt. तो एक तो ये स्टेटमेंट है जो आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन में. दूसरा, मैंने आपको बोला कि आपको फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी है, और फंक्शन की लिमिट को चेंज करने के लिए जो फंक्शन आपको यूज करना है वो है टी स्क्वायर इज योर एक्स प्लस टू. अब आपको करना क्या है, अगर आप जो अभी आप नया फंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे उसकी लोअर लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि गिवन क्वेश्चन की लोअर लिमिट क्या है, वो है एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 सबमिट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि t स्क्वायर आपको 2 मिलेगा, या फिर आप t को स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर आप अपर लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो फिर आपको फीड करना है x की जगह 2, और जैसे आप x की जगह 2 फीड करेंगे तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, या फिर आप क्लेम कर सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2. ठीक है, यानी कि आपने फंक्शन की लिमिट को भी ऑलमोस्ट चेंज कर लिया है. तो जो नई लिमिट है वो है आपकी रूट 2 से 2 तक, एंड दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन. चलिए अब फंक्शन को में फाइनली पूरे फंक्शन को हम लोग टी के टर्म्स में ले आते हैं. सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं. तो लिमिट अब आपके पास हो चुका है रूट टू से लेके टू तक. इसके बाद ये जो एक्स आपको नजर आ रहा है, इस एक्स को आपको वाइल यूजिंग दिस फंक्शन आप टी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस टू. एक तो ये आ गया. इसके बाद आपने एक्स प्लस टू को क्योंकि टी स्क्वायर से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये बनेगा टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. और dx को आप इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं विच इज योर 2t into dt. चलिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें. आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा रूट टू 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 रूट टू टू टू. नाउ इट इज टी स्क्वायर माइनस टू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली 2t स्क्वायर और dt के. आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 2 है, आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रल साइन के बिटवीन आपको मिलेगा रूट टू से टू, और ये आपके पास है टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टू इंटू डी टी के. ठीक है, अब इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं.
पार्ट बनेगा टू इंटीग्रल रूट टू 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 डेट इज टी रेस टू दी पावर 4 dt, पहला टर्म आप ये लिख सकते हैं, और दूसरा टर्म आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल रूट टू 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 रूट टू टू टू, और यहाँ पे आपके पास है टी स्क्वायर और dt के। चलिए आगे मूव करें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टी की पावर 4 को इनकेस अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा टी रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और इसकी लिमिट आपको यूज करनी है रूट टू से लेके 2 तक। तो पहला टर्म तो आपके पास ये है -4। अब अगर आप टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल आपको मिलेगा टी क्यूब अपॉन 3, और इसकी लिमिट भी आपके पास सेम वही रूट टू से लेकर टू तक है। अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप ये जानते होंगे कि लिमिट को हम लोग कैसे सबमिट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपर लिमिट सबमिट करनी होगी, फिर माइनस लोअर लिमिट सबमिट करनी होगी, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा टू। इसको लिख सकते हैं टू रेस टू दावर 5/5 माइनस रूट टू रेस टू दावर 5/5। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद -4, चलिए फिर से अपर लिमिट सबमिट करें। तो पहला टर्म मेरे पास बनेगा 8/3, क्योंकि 2 का क्यूब आप कर रहे हैं तो डेट इज योर 8/3, और माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2/3 के। अब बेटर ये रहेगा कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इरेशनल टर्म जनरेट हो रहा है और एक ये रेशनल टर्म है, तो हम रेशनल टर्म को एक साथ क्लब कर लेते हैं और इरेशनल टर्म को एक साथ क्लब कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला टर्म है अगर आप इस पे कमेंट करें तो ये बनेगा 2 × 2⁵ इसके बाद -2। रूट टू रेस्ट टू दावर 5 की अगर बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं 4√2/5 के, और 2 तो बाहर जो मल्टीप्लाई में था वो मैंने यूज किया है। इसके बाद अगले टर्म को आप 16/3 लिख सकते हैं, ये नो डेट इज नॉट 16/3, डेट इज 32/3 है ना, इसको अपन लिखेंगे 32/3 के, और अगला टर्म ये आपका प्लस बन जाएगा और इसे आप लिख सकते हैं 8√2/3 के। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग रेशनल टर्म को एक साथ क्लब करेंगे और रेशनल टर्म को एक साथ क्लब करेंगे, तो जो पहला टर्म है अब अगर अपन इस पे बात करें तो ये बन रहा है हमारे पास डेट इज 2 × 2, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 32/5, एक तो ये टर्म हमारे पास है, -32/3 एक ये टर्म हमें मिल गया जो कि रेशनल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक टर्म हमारे पास है 5√2/3, 5√2/3 सॉरी इट इज नॉट 5, इट इज एक्चुअली 8√2/3। आप देख सकते हैं कि ये फाइनली ये क्वांटिटी 8 है, दैट इज योर 8√2/3 और -8√2/5। चलो फर्दर सिंप्लीफाई करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ से सबसे पहले तो 32 आप कॉमन ही ले लीजिए, तो 32 अगर आप कॉमन लेते हैं तो पहला टर्म है 2/5, अगला 1/3। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8/√2 आपका कॉमन आ जा रहा है, आप इसे कॉमन ले लीजिए और अंदर हमें मिलेगा 1/3 -1/5 के। इसके बाद अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 32 आप देख सकते हैं कि एलसीएम आप यहाँ पे 15 यूज कर सकते हैं, और ये बनेगा डेट इज 6 माइनस, और यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, ये 5 मिलेगा प्लस के। इसके बाद अगर अपन फिर से चेक करें तो ये 8√2 तो आपका बाहर चल ही रहा है, इसमें अगेन आपने 15 एलसीएम ले लिया और ये बन रहा है 5 -3। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है 32/15, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगले टर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 -3 आपका 2 होता है, तो डेट इज 16√2/15 के। अब अगर आप एंटायर एक्सप्रेशन को चेक करें तो आप देख सकते हैं एक तो 16, एक रूट टू और एक 15 आप पूरे डाटा में से कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां से फर्स्ट टर्म आपको रूट टू मिलेगा और अगला टर्म आपको 1 मिलेगा। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग इंटीग्रल।